हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर इनोवेटिव सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, घर पर रहिए और सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहिए, क्योंकि एसएससी जेई का पेपर आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था, जैसे कि हम रिविज़न कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में आ चुके हैं, और उन्हीं एसएससी जेई के क्वेश्चन के रिविज़न के डे 8 पर हम पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो भी दोस्त आपके एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या है। डे 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। तो ये क्वेश्चन आया था 2018 में, जो कि हमारा 22 जनवरी 2018 को हुआ था आफ्टरनून शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले हम जान लेते हैं हमारे फाइन एग्रीगेट। सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। फाइन एग्रीगेट मतलब छोटी वाली जो एग्रीगेट होती हैं, फाइन मतलब छोटी एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट मतलब बड़ी एग्रीगेट, बड़ी वाली बजरी, बजरी कहते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, फाइन मतलब छोटी बजरी और कोर्स मतलब बड़ी बजरी। अब इसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, अब जो छोटी एग्रीगेट होती हैं उनका साइज किससे ज़्यादा, किस नंबर से ज़्यादा या फिर किस साइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका ऑप्शन ऑप्शन दिए हैं 2.75 mm, 3 mm, 3.75, 4.75 mm। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर देखो, हम सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर है 4.75 mm। मतलब ये क्या हो गया, फाइन एग्रीगेट का साइज 4.75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फाइन एग्रीगेट का साइज 4.75 mm से ज़्यादा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कोर्स एग्रीगेट फिर हम उसे कहने लगेंगे। मतलब वो उसका साइज अब चेंज हो गया, वो फाइन एग्रीगेट से कोर्स एग्रीगेट हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, एडिशनल बात। ये तो हो गया इसमें एक्सीड, मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट अब क्या हो गया 4.75, लेकिन मिनिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, ये होता है 75 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 0.075 mm होता है मिनिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, ये बात कंप्लीट हुई, एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों, सबसे पहली बात, करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जब भी हम पेपर देते हैं। तो ध्यान से, बिल्कुल पेशेंस होकर क्वेश्चंस को धीरे से पढ़िए और फिर उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या वो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अब इसके दोनों स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या क्या दिए हुए हैं। स्टेटमेंट नंबर ए देखिए इसमें क्या दिया है। तो वो इसमें कह रहा है द फ्री वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड वाइल मिक्सिंग एंड अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सर्फेस ऑफ द एग्रीगेट प्रीयर ऑफ मिक्सिंग। इसी स्टेटमेंट में दोस्तों इसने क्या है, सबसे पहली बात फ्री वाटर का मतलब समझ में आना चाहिए। फ्री वाटर का मतलब क्या होता है, जो भी वाटर बिना किसी बाउंडेशन के फ्री टू फ्लो होता है, मतलब उसके फ्लो होने पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उसे हम फ्री वाटर कहते हैं। अब इसने आपसे क्या पूछा है, ये कहना चाह रहा है कि फ्री वाटर वो अमाउंट होती है जब भी हम उसे मिक्स करते हैं, जब भी हम अपना कोई पेस्ट बना रहे हैं उसे मिक्स करते हैं, तो जो सरफेस के ऊपर रह जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, ए स्टेटमेंट क्या ये सही है गलत है, ये आपको बताना है। बी स्टेटमेंट भी दिया है द टोटल वाटर इज द फ्री वाटर एंड अमाउंट एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द एग्रीगेट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दोनों ही ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री वाटर मतलब क्या होगा, जो फ्री टू फ्लो है, लेकिन अब जो सरफेस के ऊपर है, सरफेस ये कह रहा है ना, हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट प्रियर टू मिक्सिंग, यही तो है फ्री वाटर। फ्री वाटर की अमाउंट यही तो होती है जो सरफेस के ऊपर रह जाती है एग्रीगेट। जब भी हम कोई भी, जैसे आपने कंक्रीट देखा होगा, थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर रह जाता है सरफेस के ऊपर, वही हमारा फ्री वाटर होता है, वही फ्री वाटर की अमाउंट होती है। अब यहाँ पर क्या कहता है, टोटल वाटर जब उसमें मिलाते हैं, जब उसमें टोटल वाटर हम मिला देते हैं, वो भी तो हमारा वाटर फ्री टू, ये जो टोटल वाटर है ये भी तो हमारा फ्री टू फ्लो होता है, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो, लेकिन इसमें से कुछ वाटर बच जाता है, उसे हम फ्री वाटर कहते हैं। ये बात सही है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। यहाँ पर भी ऑप्शन बोथ एंड भी इसका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर द एब्रेशन रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात दोस्तों, एब्रेशन का नाम सुनते ही हमें क्या, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एब्रेशन मतलब क्या होता है, घिसाव, वियर एंड टीयर भी इसे हम कहते हैं। दोस्तों याद रखिए, ये क्वेश्चन वियर एंड टीयर के नाम से भी आ सकता है। वियर और टीयर एग्रीगेट का वियर और टेस्ट किस किस मेथड से हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एब्रेशन टेस्ट, वियर एंड टीयर टेस्ट एक ही बात है, और एब्रेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया क्या होता है, घिसाव होता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, डोवल एट्रेशन टेस्ट, डोरी एब्रेशन टेस्ट, लॉस एंजेल्स टेस्ट, और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों का राइट आंसर
आंसर है ऑल ऑप्शन आज करेक्ट। और ये टेस्ट आपने अपने कॉलेज में भी किया होगा, ये लॉस एंजल्स टेस्ट तो सभी ने किया होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था ये तो। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सोइल मैकेनिक्स की भी, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए तैयारी करा रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ कर ला रहा हूँ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेस सोइल मैकेनिक्स के लेक्चर का भी मैंने लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चैनल को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों इस टाइम। तो दोस्तों प्लीज़ अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली, आपसे पूछ रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम। दोस्तों सबसे पहली बात, इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा मेज़र किससे करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम दोस्तों किससे करते हैं, विकार्ट्स एपरेटस से हम यूज़ करते हैं, याद रहना चाहिए ये सबको, विकार्ट्स एपरेटस हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हमारा क्या होता है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट दोस्तों वो होता है जब भी हमारा ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है दोस्तों, उसकी हम ग्राइंडिंग इंटर ग्राइंडिंग करते हैं और उसमें एल्यूमिना की कुछ अमाउंट बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उससे हमारा क्या बनता है, उससे हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वो पूछ रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, हाफ मिनट होता है, 5 मिनट होता है, 30 मिनट होता है, 45 मिनट होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है 5 मिनट। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है इसका 5 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 5 मिनट, और हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है ओपीसी को होता है 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ओपीसी को होता है 30 मिनट, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है ओपीसी का, 10 आवर। ठीक है दोस्तों, ये सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके इसी अच्छे तरीके से डेली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, सभी सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट का आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपसे पूछ रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन कौन सा ट्रू है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ट्रू स्टेटमेंट से पूछ रहा है, एडिशनल ऑफ पोजोलोना टू सीमेंट डिक्रीज वर्केबिलिटी एक स्टेटमेंट, दूसरा एडिशन ऑफ पोजोलोना टू सीमेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ, एडिशन टू पोजोलोना टू सीमेंट इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे पहली बात दोस्तों, पोजोलोना क्या होता है, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आना चाहिए पोजोलोना होता क्या है। तो दोस्तों पोजोलोना का मतलब होता है जो भी हमारा स्टोन वेस्ट होता है, जो भी हमारा वोल्केनिक या फिर किसी भी मटेरियल के ओर का जो वेस्ट होता है या फिर स्टोन वेस्ट होता है, वोल्केनिक वेस्ट होता है, उसे हम पोजोलोना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कहता है, इसमें सीमेंटियस प्रॉपर्टी होते हैं कुछ, अभी कह रहा है अगर हम पोजोलोना को ऐड कर देंगे सीमेंट में कुछ भी नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पोजोलोना को ऐड करने पर सिर्फ उसकी सीमेंटियस क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती हैं। और एक मैं इफेक्ट बता देता हूँ आपको, एडिशनल इफेक्ट क्या होता है, पोजोलोना की अमाउंट बढ़ाने पर, ऐड करने पर क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये भी हमारे जितने भी क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं 2018 में हैं आफ्टरनून शिफ्ट के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज जनरली टेकन एज, यूनिट वेट दोस्तों पूछ रहा है रेनफोर्स कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट की शॉर्ट फॉर्म RCC। ठीक है दोस्तों, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हम इसे कहते हैं RCC। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यूनिट वेट ये आपसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका है 2500 kg पर मीटर क्यूब। अब दोस्तों एडिशनल बात इसमें क्या है, एडिशनल बात मैं आपको बताता हूँ, एडिशनल बात ये है, अब वो आपसे इसमें पूछेगा पी सी सी का यूनिट वेट कितना है। पी सी सी का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, पी सी सी का होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, RCC का कितना है 2500 और PCC का कितना है 2400। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों को, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, SSC JEE के बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चन, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं SSC JEE में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 SSC JEE का क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ मेगा पास्कल फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये आपसे पूछना चाह रहा है क्रशिंग स्ट्रेंथ दोस्तों क्या होती है, मेगा पास्कल में आपसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों, मेगा पास्कल के सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर MM स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मेगा पास्कल, पास्कल का मतलब क्या होता है,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है हमारा पास्कल, और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को हम कहते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को हम कहते हैं मेगा पास्कल। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछना चाह रहे हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड क्वालिटी स्टोन बिल्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहली बात, लेस देन 20 20 मेगा पास्कल, 20 to 80 मेगा पास्कल, 60 to 80 मेगा पास्कल, या फिर ग्रेटर देन 100। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है, ग्रेटर देन 100 मेगा पास्कल क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसकी, किसी भी स्टोन की जो भी हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, 100 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्रशिंग स्टोन की। 100 मेगा पास्कल मतलब 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्टोन की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। टिम्बर दोस्तों क्या कहते हैं, वुड को ही हम टिम्बर कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। टिम्बर क्या पूछ रहा है, एज ऑफ टिम्बर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन देखो दोस्तों सीधे हैं, एनुलर रिंग, सैपवुड, पिथ और टिम्बर डिफेक्ट्स। सीधी बात तो दोस्तों सभी को पता होनी चाहिए, एनुलर रिंग से हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी टिम्बर की एज हम को डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एनुलर रिंग होती क्या है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने पेड़ के अंदर देखी होंगी, कुछ इस तरीके की हमारी पेड़ की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके की होती है जब उनसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो एज होती हैं, हर जब जब उसकी एज बढ़ती रहती है, जैसे जैसे ट्री की स्टेज एज बढ़ती जाती है, ये उसमें एनुलर रिंग की जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ में आया कैसे करते हैं। अब सैपवुड क्या होता है, सैपवुड दोस्तों जो हमारी आउटर आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम सैपवुड कहते हैं। पिथ मतलब क्या होता है, जो उसका सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, डार्केस्ट पार्ट ऑफ टिम्बर का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हुआ क्या होता है टिम्बर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हम दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चैटरले एपरेटस। ली चैटरले एपरेटस से दोस्तों हम क्या मेजर करते हैं, ये पूछ रहा है, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सभी को पता होगा एबरेशन टेस्ट के लिए मैंने आपको भी बताया क्या यूज़ करते हैं, डोरी, डोरी टेस्ट, डेवल टेस्ट और तुम्हारा लॉस एंजल्स टेस्ट इसके लिए यूज़ करते हैं। केमिकल टेस्ट, केमिकल रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों हम एसिड टेस्ट करते हैं, ये भी आपने सुना होगा। स्ट्रेंथ के दोस्तों आपको पता है कौन सा यूज़ करते हैं, हम क्यूब टेस्ट करते हैं। अब ली चैटरले टेस्ट कौन सा होता है, साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं ली चैटरले एपरेटस से। साउंडनेस टेस्ट दोस्तों क्या होता है, साउंडनेस टेस्ट ये होता है उसमें हम लाइम की अमाउंट चेक करते हैं, फ्री लाइम की अमाउंट चेक करते हैं सीमेंट के अंदर ली चैटरले डिवाइस की हेल्प से। ली चैटरले डिवाइस कुछ दोस्तों इस तरीके की होती है, उसके अंदर ये कुछ इस तरीके के विंग्स होते हैं ये इसके। ठीक है दोस्तों, आप इसे देख लेना एपरेटस को। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बिल्डिंग मटेरियल्स के लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगा सारे टेस्ट क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों आज का क्या है हमारा आखिरी क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मोटर विच इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया में कौन सा हमारा क्वेश्चन यूज़ होता है, मोरिंग शिफ्ट में आया है 2018 में ही। तो दोस्तों देखिए कौन कौन से, सीमेंट मोटर, लूज मोटर, मोटर वेरी लो कंसिस्टेंसी, मोटर हैविंग हाई वाटर सीमेंट रिजर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सीमेंट मोटर। सीमेंट मोटर किसमें यूज होता है, वाटर लॉक्ड एरिया में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी साथ शेयर करें। आपको कोई भी पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक हो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट हो